बातों का इंतजार ये हमारे चित्त को शाद आबाद बना देता है। नारायण हरि नारायण हरि। बोले बाबा कैसा इतना गद्दी और ये बैठ के इधर ही बैठ गए। अरे क्या है हराल में मस्त सब, क्या बुरा है इधर। नौ ग्रह तो ठीक है लेकिन दसवां ग्रह जो आग्रह है ना आदमी को तंग कर देता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे होता रहता है, इसी का नाम दुनिया है। चल मौज में। मैंने दोपहर के सत्संग में कहा था कि वासना को मिटाना बहुत बहुत दुर्लभ है। 60-60 हजार वर्ष तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने, हिरणपुर बनाया सुवर्ण का, दुनिया भर के वरदान ले लिए, फिर भी दुखों से जान नहीं छूटी। और मरते समय कैसा मरा, भगवान को अवतार लेकर उसे मारना पड़ा। लंका पति रावण 60 हजार वर्ष तपस्या, सोने की लंका तो बनाई और मनचाही भोग वासनाओं की चीजें तो उपलब्ध की, लेकिन आखिर निराश होकर मरा। रावण कोई साधारण आदमी नहीं था, बहुत समझ का, ऊंची समझ का धनी था, लेकिन वासना निवृत्त करके साक्षात्कार का रास्ता शबरी को जो मिल गया गुरु कृपा से, मीरा को जो मिल गया, रहीदास को जो मिल गया, कबीर और नानक जी की जो ऊंचाई थी उसके आगे हिरण्यकश्यपु और रावण बबलू रह गए। लीलाशाह बापू को जो खजाना मिला उसके आगे रावण बबलू रह गए, केवल वासना के कारण। तो वासना निवृत्ति में एक आपका इरादा हो और दूसरी युक्ति हो, बस। युक्ति तो हम बता दें, शास्त्र बता देते हैं, लेकिन आपका इरादा हो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की, नीच तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ऐसा हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊं, ये बना लूं तब सुखी हो जाऊं, ये पालूं तब सुखी हो जाऊं, ये एक ऐसी बेवकूफी वाली वासना है कि सब करते कराते रावण जैसे हिरण्यकश्यपु जैसे भी दुखी दुखी रह जाते। बस इरादा थोड़ा सा बदलो, नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। कुछ पाकर कहीं जाकर, कुछ मिटाकर, किसी को मिलकर, किसी से बिछड़कर, फिर मैं सुखी हूं इस चक्कर में मत बढ़ो। मैं कौन हूं बस, और प्रभु कैसे। प्रभु के स्वभाव को जान लो, दुनिया के स्वभाव को जान लो, बस निर्दुख हो जाओगे। खाली दो ही बात, संसार के स्वभाव को जान लो और परमेश्वर के स्वभाव को जान लो, सदा के लिए मौज हो जाएगी। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। अनंत ब्रह्मांडों के रोम रोम में जो रम रहे हैं उस परमात्मा को राम कहते हैं। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जिन्होंने उस सच्चिदानंद रोम रोम में ब्रह्मांडों में बसे हुए परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में जा ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, फंस ही नहीं सकता। और जगत के स्वभाव को जानो तो वहां टिक नहीं सकते। जगत का स्वभाव है नित्य परिवर्तन, नित्य नाश, छल कपट धोखेबाजी और नश्वरता। कितनी भी पत्नी प्यारी लगे, पता प्यारा लगे, लेकिन एक दूसरे से धोखाबाजी किए बिना नहीं रहते। कितने भी एक दूसरे के गुणगान करके दीवाने से लगे, चंद्रमुखी तेरे बिना भी क्या जीना, वो बोले प्राणनाथ पानी की घूंट भी नहीं निकल सकती तो आइसक्रीम क्या खाऊं, तुम कॉलेज में नहीं आते तो प्राणनाथ मेरे प्राणी निकल जाते। वे ही लोग लवर लवरी बनकर शादी करते, बोलते तूने मेरी सत्यानाश कर दी, तू चंद्रमुखी नहीं तू सूर्यमुखी है, राण तू तो ज्वालामुखी है।
ओ प्राण नाथ नाथ फिर अनाथ बना देती है और लड़ते झगड़ते। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने की, लेकिन दुनिया का संसार का स्वभाव जानो तो दूर से ही राम राम करो बाबा। तोबा है तोबा, नश्वरता तो लगी है लेकिन कपट काम क्रोध लोभ मोह शोक चिंता भय और अस्थिरता। अभी चुनावी दौर चल रहा है, वो 540 सीट है, कई हजार लोगों ने धक्का मुक्की करके चुनाव लड़े हैं और उसमें से 540 ही के 40 जीतेंगे नहीं। 540 सीटें पूरी नहीं आएगी, कुछ उसमें से भी कम रहेगी और उसमें से भी न जाने कितनी पार्टी कितने एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप सब कर करा के सीटें आ गई। मेरी सरकार तेरी सरकार मिली सरकार अथवा स्वतंत्र मेरी सरकार बन गई, फिर भी आयुष्य ही तो नाश होता है, अहम ही तो पोषित होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अपनी मैं को तो जाना नहीं, झूठी मैं को फलाना मानकर आयुष्य बर्बाद हो। जगत के स्वभाव को जानो तो आसक्ति मिट जाए और भगवान के स्वभाव को जानो तो प्रीति अमिट हो जाए। भगवान अमिट है तो आपकी प्रीति नित्य नवीन रस अमिट हो जाएगा। भजन का अर्थ नहीं माला घुमाया या गीत गाए या तालियां बजाए या कुछ किया। किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, जो परम रस है उसमें मन लगे इसका नाम भजन है। फिर शबरी की बुहारी की सेवा से उस परम रस की तरफ यात्रा हो, मीरा के गुणगान गीत गान करने से हनुमान जी के सेवा कार्य से हनुमान जी को रस आता हो, जनक को प्रजा का पालन करते करते भजन का रस आता हो, बापू को यहाँ बैठ के भी रस आए वहाँ बैठ के भी रस आए और गाड़ी में आते जाते भी रस आए, सब भजन है। क्या ये बेरस बैठे हैं हम जनाबे आली? बोलो आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बेरस हूं। रसो वैसा वैश्वानरो, सच्चिदानंद परमात्मा रस स्वरूप है, उसी से सभी की उत्पत्ति, इसीलिए सब रस चाहते हैं। सिगरेट बाज सिगरेट से भी रस चाहता है, मजा चाहता है, जुआरी जुआ से मजा चाहता है। साधन गलत है इसीलिए परिणाम गलत आता है। जहां सचमुच में रस है वहां पहुंचने का नाम है सत्संग, वहां पहुंचने का नाम है सिद्धि, वहां पहुंचने का नाम है जीवन की पूर्णता। और जहां पूर्ण पूर्ण रस दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं पराया भी नहीं और परिश्रम साध्य भी नहीं है। ओ हो क्या बताएं, दूर नहीं दुर्लभ नहीं